दोस्तों, जब हमारे घर में कोई सब्जी ना हो तो उसके लिए आज हम लोग बनाने वाले हैं टमाटर प्याज की सब्जी। इसके लिए हम लोग इसमें यूज करेंगे टमाटर प्याज लहसुन अदरक एंड मिर्च। चलिए आपको आगे चल के बताते हैं कि कैसे सब्जी। टमाटर प्याज को इसी तरह से हल्के बारीक बारीक काट लेंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई रख दिए जो, अब इसमें हम गर्म होने के बाद इसमें तेल डालेंगे। हल्का सा तेल डाल देंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि जीरा डालेंगे दोस्त इसमें। उसके बाद सौंफ डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जिंक डालेंगे। जिंक पड़ गया, फिर इसमें अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे दोस्तों। इसको हल्का से हिला देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट भुन चुका है। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज पड़ गया दोस्तों, इसके बाद इसमें हम प्याज को भून देंगे 2 मिनट के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये प्याज अपना भून चुका है। इसके बाद हम लोग डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल दिए दोस्तों, टमाटर को इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिए। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्का सा हल्दी डाल देंगे दोस्तों। इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डालेंगे इसमें नमक। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे अपना। स्वाद अनुसार इसमें नमक हो गया, इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। देखिए नमक अपना इसमें मिक्स हो गया है। इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए पकने के लिए। थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके। थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज सही में इससे मिक्स हो जाए घुल के। अब मिक्स हो गया दोस्तों, इसमें हम लोग अब डालेंगे मसाला, मैगी का मसाला। देखो दोस्तों, इसमें हम मैगी का मसाला डाल देंगे आधा। 5 वाला मैगी का मसाला इसमें आधा डाल देंगे। आधा पड़ गया है और इसको डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। देखें दोस्तों, अपना ये अच्छे तरीके से गल चुका है। फिर इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद अपना सब्जी तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना टमाटर का सब्जी बनके, टमाटर प्याज का सब्जी बनके तैयार हो गया है।